दिनकु दिन तेजिपारी लागिला बीजेडी कळी भुवनेश्वर बीजेडी समेत जाजपुर गंजामु आसला दलरे फाटर चित्र प्रथमे बीजेडी पराजय को नहीं विस्फोरक बयान देते जाजपुर बड़चणार वरिष्ठ नेता अमर शतपथी बीजेडी पराजय पर नवीन पटनायक को दायी करते अमर शतपथी पांड्यान को अत्यधिक क्षमता देवा दल पर काल साजिला क्षोभ प्रकाश करते अमर सेपरी भुवनेश्वर बीजेडी रे कळी दांडरे पड़ी हाटरे गड़िला कॉर्पोरेटर अमरेश जेना और बीरंची महासुपकार विधायक अनंत जेना और पूर्वतन विधायक अशोक पंडा विरोध में संगीन अभियोग आनी भुवनेश्वर बीजेडी रे फाटो पाई अनंत अशोक को दायी करिसेंति दुई कॉर्पोरेटर सेपरी गंजाम बीजेडी रे कळी मध्य एबे चर्चार विषय पलटिछि आस्का सांसद प्रार्थी रंजिता साहूंक गंजाम रे बीजेडी हारिथिबा अभियोग करिसेंति कवि सूर्यनगर पूर्वतन विधायिका लतिका प्रधान बीजेपी सहित मिसी रंजिता बीजेडी को हरायबा षड्यंत्र करिथिबार सांघातिक अभियोग करिसेंति लतिका विजु जनता दल रे दिनकु दिन फाट बढ़ी चलिथिबा बेले एमिति सब घटना बयान करुछि दे दल रे फाट एवं तार भितरे भुवनेश्वर कळी जे केमिति कॉर्पोरेटर अमरेश जेना एवं बीरंची महासुपकार अशोक पंडा एवं अनंत नारायण जेना को दिनांक दोष देपटे जाजपुर अमर शतपथी जो भाई प्रकार बयान पूर्व रखिंट दलर पराजय पर नवीन पटनायक को दायी करते पांड्यान को अत्यधिक क्षमता देवाई दल एमती पराजित है कि तार भितर सब बड़ कथा साधारण निर्वाचन में बीजेडी सूचना पराजय को नहीं एवं जनक पर जन नेता मुह खोल संपर्क में अधिक आलोचना करने भुवनेश्वर आम प्रतिनिधि ज्योति प्रकाश दास आम सहित जोड़ी होती ज्योति प्रकाश गोटेपटे सदस्य संग्रह अभियान विजु जनता दल पक्ष जारी रही किंतु तार भितर दल रे कंदर चित्र गोटे पर गोटे निर्वाचन मंडली रे सामना को आसला वरिष्ठ नेता मध्य मुह खोल मुकेश आपण देखंतु शंख भवन आउ नवीन निवास रु बाहरी एबे राजरास्ता रे पहुंचला विजु जनता दल कळी कारण गत गोटे सप्ताह हला धरी आपण देखुथुबे को भली भावरे नेता परस्पर उपरे दोष लदालदी होउछंती आउ उग्र रूप नउछ चरम सीमारे पहुंचला विशृंखला कहा जाए विजु जनता दल हूँ एभली एक आंचलिक दल श्रृंखला सबकि किंतु श्रृंखलार बाड़ डेईगले नेता एवं गत काली आपण देखिले जे गंजामर नेता भुवनेश्वर माटी रे को भली भावरे विषोदगार कले विभीषण मध्य कहउछंती एवं 2024 निर्वाचन रे बीजेपी सहित किए का मेंटो करितला एवं किए एजेंट ही काम करथला जो कथा लतिका कहिले ता पूर्वर आपण मध्य बयानबाजी शुणिले अमर शतपथी मध्य नेतृत्व कथा कहिले जे को भली भावरे नेतृत्व ठीक छलानी निर्वाचन परिचालना कथा मध्य उठिले जहा कुनी वर्तमान बीजेडी उपरे समस्त नजर रही कारण नीति आपण देखुथुबे प्रत्येक नेता सीधा सड़क मुह खुलुछंती किंतु यार भीतर आपण देखुथुबे अमर शतपथी जो कथा कहिले ता परे परे आपण देखुथुबे गोटे परे गोटे नेता मध्य सामना को आसुछले तमाम संक्रांत आलोचना करिबा वरिष्ठ राजनेता अमर शतपथी आम सहित अछंती सर आपण तो बहुत दिन धरी विजु जनता दल रो थिले एवं आपण तो कहउछ सभ्य कारण 6-6 थर विधायक आपण हेचंती मंत्री मध्य विजु जनता दल हेचंती एवं बीजेडी सहित आपण संपर्क छिन्न कर सारिचंती यार भितर आम देखु विजु जनता दल रे जो चित्र विचित्र होउछि कारण प्रत्येक नेता अधिकांश नेता गणमाध्यम को आसुछंती विषोदगार करुछंती नेतृत्व को नहीं प्रश्न उठाउछंती पराजय काहेकि हेला तार पोस्टमार्टम करुछंती प्रकृतर कौन वर्तमान चली बीजेडी रे जेहेतु मु वर्तमान आउ सभ्य नहीं नहीं अतीत दिन ने जहाँ मोर खबर जे पूंजीभूत असंतोष थिला असंतोष को प्रकाश करिया पे नथिला सुयोग नथिला 24 निर्वाचन परे प्रथम थर पे गोटे पराजय हेला जो पराजय परे समस्त अनुभव कले जे प्रकृत रे राजनीति कथा खाली विजय स्वादु चाखानी पराजयर मध्य जो ग्लानी ताको हजम करिया पड़ो मोर प्रश्न थिला कहीं पराजय हेला एक नुहे जे लोक द्वारा आम बहुत विजु जनता दल लोक द्वारा प्रत्याख्यात होनी कारण एक जन जीति भी विधानसभा को लोक जो जाते से संख्यार आसते सत्वे आमर त्रुटि विच्युति कौटी रहा निर्वाचन को आम सठिक भाव में परिचालना कर लोक मत नहीं पालन जार सुजोग बीजेपी नहीं आगामी दिन पूर्ण नव मध्य पर श्रृंखलित दल थिला विजु जनता दल हठात केमती विश्रृंखलित होगला कहली पराजय पर सतकता कहने मुह समे खोलुं ये मत गोटे गणतांत्रिक व्यवस्था भितर शुभ लक्षण गणतंत्र जदि दुईट मत न शुणा तो सठिक निष्पत्ति पार ना कि मोर जो मौलिक प्रश्न ये पराजयर दायित्व कहार
ए पराजयर उत्तरदायित्व तो किए बहन करिव से संक्रांत कई कथा कहना व्यक्तिगत भाव मो संपर्क कहते मो संपर्क ढेला पकेले पहाड़ को ढेला पकला भाया लगे जो मैंने कहते विजु जनता दल गठन बेल नवस्था चक्र आनी परवर्त मेयर में राजनैतिक भविष्य से निष्पत्ति कर देखुंट किसीदिन नजर रखुए अनेक अधिकांश नेता मुह खोलुंती कहीं दल पराजय बरण कला क्यों त्रुटि रहा से संक्रांत प्रत्येक दिन किछ ना किछ मध्य प्रतिक्रिया रखुचंती एवं जो कथा अमर शतपथी कहते जे आमे चेष्टा करूल दलर नेतृत्व पाखरे अवगत करवाई किंतु से स्वर पहुँची पार ना आपड़ एक अनुभव कर वरिष्ठ नेता अणदेखा कर दल वरिष्ठ कनिष्ठ कथा नुह दल जो भाव गोटे गणतांत्रिक व्यवस्था चलवा कथा से हो नाला अनेक फोरम नथिला कहिबा लागि एवं एबे भल लक्षण होउजे वर्तमान जे नेता से आसुचंदी लोक सा भेटुचंदी छेतबेले तांकु गोटे भिन्न भाव में रखा जाइथिला जहाँ फल अनेक कथा जाणि भी पारले नि से आपण भाबुचंदी एबे भी सीनियर नेता कोन ठेसाई रहिचंदी दल रे से कथा सीनियर नेता माने कहिबे मु तांग तरफ काही कहिबे जे प्रकृत वास्तव में दल परिचालनागत त्रुटि आपण कहउचंती जे 2024 निर्वाचन परे ना पूर्वरु थिला एथेरे संदेह जी गोटे गोटे लोकमत आ गोटे चौबीस मसीहा कथा मुझे कहे पूर्व कथा तो जेहेतु आउ तार प्रसंग ना जे गोटे गोटे लोकमत फलाफल अन्य हो कहीं लोकमत को सठिक भाव में बुथ केन्द्र को आणवा निर्वाचन फलाफल आम करूनु ये आम दुर्बलता प्रार्थी निर्वाचन ठूँ आरंभ कर निर्वाचन परिचालना एवं अन्य कथा निर्वाचन परिचालना भितर अनेक कथा आसो सी कथा ठीक भाव में मोर अनुभव हो जो माने को भाव दे ठीक ठाक है तार पराजय बारंबार हो तांग पे 2004 कथा कोन 2009 2014 2019 परिचालना होतला एवं 2024 रे के वास्तव रे परिचालना करतला निर्वाचन से तरे मोर खबर नै मु बाबू तो मुख्यमंत्री जे थिले से ते बेले सभापति दल नवीन पटनायक करथुले और नवीन पटनायक आसी कहबा उचित मु करिनि आउ के करथुनि मो मोरे गोटिए कथा मु आगुरु कहिछि जे नवीन बाबू को नेता आमे बाचिथिलु ओडिशावासी मुख्यमंत्री दायित्व देते एणु समस्त विजयर श्रेय नहीं पराजय बेले से भी कहवा उचित पराजयर कारण कौन वास्तव में आपण टिकेट किए काटा आई आलोचना मुझे करी किए काटला तार बर्चनावासी तार उत्तर दे सारी जी काटी जो थी काटिले चार मसीह मो थे परीक्षा करते प्रत्याख्यात होते बर्तमान मध्य तार रिपिटेशन है 2024 20 वर्ष व्यवधान में बर्चना लोकों सागर मुझे मोर विश्वास जी सेवा लोक लोकों सागर जोजोग कर चेष्टा कले भी मोर जहाँ संपर्क ताकि काटि पारे कौन निष्पत्ति के सुधा ने कारण बहुत दिन पूर्व कही आप सदस्यता नहीं ना परवर्त पदवर्त पद विषय मुझे आलोचना कर समय नेबी कारण ये कौन सी मुझरिया निष्पत्ति नौना राज्य राजनीति केन्द्र राजनीति समस्त घटना को अनुधान करेंगे और मोर जो मैंने शुभेच्छु समर्थक बर्चनार लोक मानते कथा निष्पत्ति नेबी देखते चार विषोदगार विजु जनता दल भुवनेश्वर आप देखते दुई तीन टी गोष्ठी गत काली आप देखिले गंजाम में देख लु आस्कार सांसद प्रार्थी जी अच्छा रंजिता लतिका कटक देखुंत ये चित्र कहीं हटात एमती है ये प्रश्न विजु जनता दल जे नेतृत्व जो मैंने स्पोक्स पर्सन मैंने कहतु मुत तो स्पोक्स पर्सन विजु जनता दल ना कि स्पोक्स पर्सन ना से दल रहा कौन घटला कौन घटापे आगे जाऊँ से सी सवाब जवाब दे पारे जेहेतु स्वर चुप थे नेता मैंने हटात उत्क्षिप्त स्वर उठा कौन सी सन्देह ना मुझे पुंजीभूत असंतोष था फोरम पा नुजोग पा नुजोग आसे समस्ते मुह खोल शुणुले अमर शतपथी जो कथा कहते जे स्वर उठेबापी विजु जनता दल गोटे सुजोग नाला एवं आप देखुए निर्वाचन हारे नेता कौटना कौटी मुह खोलुंव परवर्त पर्यायर अमर शतपथी आभिमुख्य नजर रही कहते कर्मी सहित मुझ आलोचना करुच्ची आलोचना पर ही ए संक्रांत नीतिगत निष्पत्ति नेबी कि जो कथा आम देखु गोटे सप्ताह है प्रत्येक दिन नेता मुह खोलुंत गत काली आप जो कथ जाजपुर देखिले गंजाम पूर्व आप देखिले जाजपुर
ଅମର ଶତପଥୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଷୋଦଗାର କଲେ, ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗଲେନି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଦସ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେନି, ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିର କଳି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଉଛି, କର୍ପୋରେଟର ବର୍ସେସ୍ ନେତା, ତା ସହିତ କଟକରେ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନେତା ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିଛୁ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କିଏ ଏଭଳି ଆକ୍ଷେପ ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷେପ କରନ୍ତି, ବିଧାନସଭା ହେଉ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ଦଳର ସିନିୟର ନେତା ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି, ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତି, ଏହାର ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ଜବାବ ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନି। ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏଭଳି ଆକ୍ଷେପ ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସିନିୟର ନେତା ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ନେତା ବି ଏବେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେଣି, ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଳକୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହେଉଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟକୁ ନେଇ ଏବେ ନେତା ଯେତେବେଳେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତାର ଦଳର କଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପଦାକୁ ଆସିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ଶତପଥୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କନକ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ସାର୍, 4-5 ମାସ ତଳେ ଯେଉଁ ଦଳରେ ସବୁକିଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଥିଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଥିଲା, ସବୁ ନେତା କେହି ବି ମୁହଁ ଖୋଲୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ନେତା ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଅସନ୍ତୋଷର ଚିତ୍ର, ଦଳ ଭିତରେ କନ୍ଦଳର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସାର୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆଜି ଯୋଉ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ଭୟରେ ସେମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ଏକାଠି, କାହିଁକିନା ଦଳଟା ସବୁବେଳେ ଜିତୁଥିଲା। ଏବେ ବି ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତିଥାନ୍ତା ବା ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଜି ଯୋଉ କଥା ଆସୁଛି ସାମ୍ନାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ଏ କଥା ବି ଆସିନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ବି ଅଲଗା ଜାଗାରେ କହିଛି, ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା ନେଇକି ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ବିଜେପି ଯୋଉ ରାଜନୀତି କଲା ସେଥିରେ ସେମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ବୋଲି କିଛି ନୁହଁ, କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ତାଙ୍କର ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ତାମିଲ ଶାସନ କରିବ ଏ କଥାଟା ଟୋଟାଲି ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ପରେ ଜଣେ ସିନିୟର ନେତା ବି ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ କହିଲେ ଆଜି ହାରିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦଳ ଆଜି ହାରିକି ଆମେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁଭଳିଆ ଅସମ୍ମାନିତ ହଉଥିଲୁ ଆମେ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ, କମସେ କମ ସେଇଟା ଆଉ ହବ ନାହିଁ। ଏବେ ଯୋଉ ଅମର ଅମର ବାବୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ମତ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଆଜି ନବୀନ ବାବୁ ଯେପରି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇଭଳିଆ କରିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଆଜି ଏ ଦୁର୍ଗତି ହେଇନଥାନ୍ତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଯିଏ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା ଆସିଲା, ନହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ସେଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦଳ ଏଇଭଳି ସ୍ତରକୁ ଗଲା। ଯଦି ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 2014 ମସିହାରେ ମାନେ ଯୋଉଭଳିଆ ପପୁଲାର ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ପାଇକି ଆସିଲେ ମୋଦି ଅମିତ ଶାହ, ସେମାନେ 7-7 ସିଟ୍ ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜିତୁଛନ୍ତି, ହରାଜ 15 ଇଲେକ୍ସନରେ ସେମାନେ 70ରୁ ମାତ୍ର 3 ସିଟ୍ ଜିତୁଛନ୍ତି। ନୂଆ କରି ଗଠିତ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ଦଳ ଆପ୍ ସେ 67 ସିଟ୍ ଜିତୁଛି, ତା ଅର୍ଥ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜେପିର ନେତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯୋଉଭଳିଆ ଇଗ୍ନୋର କଲେ ମୋଦି ଅମିତ ଶାହ, ସେଇ କାରଣରୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବି କହିଥିଲି ସେ ନିର୍ବାଚନଟା ଆପ୍ ଆଉ ଆମ୍ ଭିତରେ ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସାର୍, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏ କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି ନା, ଏ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦଳ ଚାହୁଁନି, କାରଣ ସମୀକ୍ଷା କରାଗଲାନି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ପରାଜୟକୁ 24 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦଳ କ୍ଷମତାରୁ ହଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ନେତା ହୁଏତ ସାର୍ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନେତାମାନେ ଠିକ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲି ପାରୁନଥିଲେ ଭୟରେ, ଆଜି ତାଙ୍କର ସେ ଭୟ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦଳଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଦଳ ହେଇଯାଇଛି ଯୋଉଥିରେ କି ସବୁ ଲୋକ ଟିକେଟ ପାଇବେ ସେ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସିନିୟର ନେତାମାନେ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏ ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସଭାପତି ମାନେ ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଦଳର, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ କ୍ଷୋଭ ଥିଲା। ଆଜି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫୋରମରେ କହିବା କଥା, ଆଜି ଯୋଉ ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଫୋରମରେ କହିବା ପାଇଁ କୋଉ ଫୋରମଟା ଥିଲା ସେ ଫୋରମଟା ସେମାନେ କହନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ବି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେଡିର ଏମଏଲଏ ଥିଲେ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଗୋଟେ ପେପରର, ସେ ସମ୍ପାଦକରେ ଲେଖିଲେ ଯେ ମାନେ ନେତା ବଡ଼ ନା ସଚିବ ବଡ଼, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ଏ କଳି ଏତେ ଆଗକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଜଣେ ଲେଖିବାରେ କଣ ଅସୁବିଧା କି ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରକୁ କଥାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା।
मुझे भल कि खराब मुबू विषय कह चाहूने किंतु कथा हूँ से जी बीजेडी नेता सहित गोटे संपादक थे सी एमती किसी गोटे लिखी ना से कथार उत्तर जदि दल देता कथा एत आगे जा ना तेणु आज जो मैंने जपरी भाव में नवीन बाबू जिला स्तरीय नेता हूँ राज्य स्तरीय फाटो पूर्व भी दल भितर किंतु नेता भयभीत अवस्था थे जिते बड़े दल पराजय सामना करी नेता सामना को आसुचंती निर्भय निज मत रखुचंती निश्चित भाव में आज जदि कहली आपको आज जी विजु जनता दल शासन क्षमता को फेरी था आज नेता मैंने भाया कह मान भय करते किसी नेता कही था किसी फरक पड़ी था किंतु एवं दल शासन क्षमत जाइए विरोधी दल बस चबीश वर्ष पर इट वाज भेरी अनएक्सपेक्टेड कई लोक भाव ना सब रिजल्ट हम बोली तेणु से मानने जड़े व्यक्ति आज भी जिते बड़े सोशियाल मीडिया नवीन बाबू प्रति लोकं भल पाइवा देखागलापर हठात कि जो जो लोक शासन चला विरुद्ध लोक विश्वास करते नवीन बाबू कहे ना नहीं गाड़ी दिवन तापर लोक मैंने विमुख हेले आज भी से नवीन बाबू मत लगुच से व्यक्ति जनक नवीन बाबू को कौन सी उपाय ब्लाकमेल करपरी आदानी मोदी की ब्लाकमेल करते लगुच ये व्यक्ति जनक नवीन बाबू को ब्लाकमेल करते बड़ मुख्य वर्षर मुख्यमंत्री जन व्यक्ति कथा कहीं परिचालित हे आते मैंने प्रधानमंत्री एत पपुलार प्रधानमंत्री गोटे लोकपाई एत निंदित होती कि छाड़ी पार ना से भाया ये व्यक्ति जनक निश्चित भाव में नवीन बाबू को कौन सोरे गोटे ब्लाकमेल कर जो कंदल आगू बढ़ किंतु नवीन बाबू गोटे भल कम करो नेता मानू भेटुं विभिन्न समय गोटे मानने आक्टिव हेपाई गोटे प्रोत्साहन दौंस आ जदि चुपचाप बसी जाते आहरी कंदल बढ़ी था आहरी दल दुर्बल होता तेणु सी जो बर्तमान चेस्टा करेंगे नवीन बाबू दल को एकत्रित करने से लोक जन को दूरे किंतु से लोक को दूरे पारे कि नहीं सहीटा निर्भर कर किंतु ये कंदल स्तर थमिबो ना आगुकु आहुरी स्तर बढ़िबो फाटर चित्र आहुरी सामना को आसिबो कारण दल पक्षरु एपंत पराजयर समीक्षा करा जाइनी पांच मास हो गलानी फलाफल को एपर्यंत दल समीक्षा कलानी जे काहे कि दल पराजयर सामना कला चौबीस वर्ष पर काहे कि लोके प्रत्याख्यान कले लोक श्रोतु सेमिति दृष्टि देखि गेले लोक पूर्ण मात्रा प्रत्याख्यान करिनाती आज भी आपण भी देखिबे जे असेंबली सेगमेंट रे विजु जनता दल बीजेपी टू अधिक वोट पाई सीट संख्या कमी लोक मैंने भल विरोधी दल आसन वोट मिले सीट कन्वर्ट है जो सरकार गढ़ी पार्लानी विजु जनता दल ओके ये कंद आगू केट जाऊँगी फाटो के बढ़ुची नजर रहा बहुत बहुत धन्यवाद सर आपंकर आलोचना आम सहित वरिष्ठ सांबादिक श्रीयुक्त स्वाधीन शतपथी जोड़ी होते संपर्क में आलोचना करू।